हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर रीड द क्लास 7 चैप्टर 4 हीट। सो फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियोस। सो लेट्स गो टू रीड द चैप्टर। ये हमारा पार्ट 3 है। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, फिल इट 2/3 विथ वाटर, प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। तो इसमें बोला गया है कि आप एक राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बीकर का यूज कर सकते हैं और फिर उसमें हम लोग 2/3 पास उसको हम लोग वाटर से फिल कर देंगे और फिर उसको हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे और फिर उस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे एक हम लोग कैंडल लगाएंगे जिससे हमारा जो बीकर है वो हीट हो सके। तो वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। और तब तक हम लोग वेट करेंगे जब तक हमारे जो फ्लास्क में जो वाटर है वो जब तक वो स्टिल मतलब स्थिर ना हो जाए। तो प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। तो हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लेंगे और उसको हमारे फ्लास्क के बीचों बीच रखेंगे, आराम से रखेंगे, लेकिन जल सकते हैं क्योंकि हमारा वाटर जो और हमारा फ्लास्क वो हीट है और हम लोग स्ट्रॉ के हिसाब से उसमें रखेंगे। नाउ हीट दी वाटर बाई प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। और हम लोग उस फ्लास्क को ट्रेपर स्टैंड के ऊपर रखे ही हैं जिससे हमारा कैंडल के थ्रू हमारे वो हीट मतलब जो फ्लास्क है वो हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है उसको आप अपने नोटबुक में लिखिए और बताइए और एक पिक्चर को ड्रॉ करिए जो आपने फिगर 4.9 में देखा है। वैन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट। जैसे ही हमारे फ्लेम वगैरह हमारे जो है बहुत हॉट हो गए हैं तो हमारे वाटर भी हॉट हो गए हैं। तो हॉट वाटर राइजेज अप, जो हमारा पानी गर्म है तो वो ऊपर उठने लगा है। तो जी कोल्ड वाटर फ्रॉम दिस साइड मूव डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट। तो जो हमारा गर्म पानी वो जो ऊपर जाने लगा है तो जो हमारे फ्लास्क में जो स्पेस है एयर की वो खाली हो गई है। तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी कोल्ड एयर हैं वो सब हमारे उसमें जो है वीकर में इंटर कर जाएंगे या फ्लास्क में इंटर कर जाएंगे। दिस वाटर आल्सो गेट हॉट एंड राइजेज वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन। तो वैसे ही प्रोसेस चलता रहता है कि जो हमारे गर्म पानी है वो गर्म पानी के जो वो ऊपर उठते रहते हैं और जो हमारे सराउंडिंग में जो कोल्ड एयर है वो अंदर जाते रहते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारा पूरा पानी गर्म होता रहता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। और इस ट्रांसफर ऑफ हीट प्रोसेस को मोड को कन्वेक्शन बोलते हैं। हाउ डज द वाटर ट्रेवल इन एयर। हम लोग जानेंगे कि हमारे जो एयर में जो हमारे एयर होते हैं वो हीट कैसे ट्रेवल करते हैं, उसमें हीट कैसे ट्रेवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज इट स्मोक गो। तो मतलब कि एयर के किस डायरेक्शन में जो हमारे धुआं होता है वो कैसे किस डायरेक्शन में जाता है, कहाँ चला जाता है, दिखाई नहीं देता है बाद में। द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट हॉट एंड राइजेज। तो जो दी एयर फ्रॉम दिस साइड कम्स इन टू अ टेक प्लेस इन दिस वे द एयर गेट हीटेड द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। तो जैसे कोई भी सब्सटेंस है वो हीट हुआ तो उसमें से हीट एयर इवॉल्व करेगी और जो है तो सराउंडेड में जो एयर हैं वो कोल्ड एयर हैं वो इंटर करेंगी। तो ऐसे ही हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो एयर वगैरह हैं वो हीट हो जाती हैं। तो अब हम लोग इसको एक एक्टिविटी के थ्रू कन्फर्म करेंगे इस आइडिया को। तो लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को हम लोग जलाएंगे। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। तो एक हाथ को हम लोग फ्लेम के ऊपर रखेंगे और दूसरे अपने हैंड को फ्लेम के साइड में रखेंगे जैसे फिगर में दिखाया गया है 4.10 में। टू योर हैंड फील इक्वली हॉट। क्या आपके जो हाथ है दोनों हाथ जो है इक्वली हीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इफ़ नॉट विच हैंड फील हॉटर। अगर नहीं कर रहे हैं तो बताइए कौन से हाथ आपके ज़्यादा हीट महसूस कर रहे हैं। तो बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दे कैन डू नॉट बर्न। मतलब इसे बताया गया कि आप लोग आराम से कीजिए क्योंकि हमारा जो फ्लेम है वो हॉट रहता है और जिससे हमारे हाथ भी जल सकते हैं। तो जैसे कि फिगर में दिखाया गया, ये फिगर है तो देखिए इसमें साइज में दिखाया गया है। तो हम लोग अब देखते हैं, नोटिस दैट टूवर्ड द टॉप ऑफ द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन दिस देयर फॉर द हैंड अबव द फ्लेम हीट फील हॉट ऑन द साइड हाउ एवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। तो मतलब इसमें देखेंगे तो कैंडल के ऊपर जो हमारे जो हाथ थे वो ज़्यादा गर्म हुए हैं क्योंकि उसके नीचे जो हमारे एयर थे वो हीट हो गए, फिर हीट होकर वो ऊपर राइज हो गए हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर थे वो कोल्ड एयर वो ट्रांसफ़र हो गए तो उस वैकेंट स्पेस के पास। तो इस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन बोलेंगे जबकि हमारे साइड वाले जो हैंड है वो ज़्यादा गर्म नहीं हुए हैं और जिससे हमारे हाथ को ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्म महसूस नहीं हो रहा है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेना। तो जो कोस्टल एरिया में जो लोग होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं जैसे कि
जैसे कि कोस्टल एरिया मतलब जैसे कि साइड में ओशन हो, फिर बगल में खूब सारा लैंड हो, फिर वहाँ पे लोग रहते हैं घर बना के, जैसे बीच वगैरह होते हैं सेम वही प्लेस। ड्यूरिंग द डे दी लैंड गेट हीटेड फास्टर देन दी वाटर, तो दिन के समय जो हमारा लैंड होता है वो जल्दी ही गर्म हो जाता है कंपेयर टू वाटर से, मतलब हमारा लैंड जल्दी गर्म होता है जबकि पानी थोड़ा कम गर्म होता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप, और जो हमारे लैंड जब हमारा जो हमारा लैंड था वो हॉट हो गया है तो उसके ऊपर जो एयर थी वो भी हॉट हो गया है। जब हमारी एयर हॉट हो गई है वो ऊपर राइज होंगी, तो द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड द लैंड इट टू टेक इट्स प्लेस, तो हमारे सी के पास जो कूलर ठंडी हवा थी उसमें से जो निकल रही है तो जो हमारे लैंड के पास वैकेंट स्पेस हो गया है वो एयर जो है लैंड की तरफ ट्रांसफर हो जाती हैं। दी वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी टू कम्प्लीट द साइकिल, और जो हमारे लैंड से जो वार्म एयर निकली थी वो जो है सी की तरफ चली जाती है और वो अपनी साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए। दिस द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, तो जो एयर जो है सी से लैंड की तरफ गई उसको हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी, तो ठंडी हवा को लेने के लिए जो वहाँ पे कोस्टल एरिया पे जो लोग होते हैं वो अपने घरों की जो विंडो वगैरह होती हैं वो सब समुद्र की तरफ ही मतलब कि ओपन करते हैं, मतलब बनाते हैं। द नाइट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, और रात के समय बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल अपोज होता है। तो द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, तो रात के समय जो है ठंडा रहता है क्योंकि चंद्रमामा जो होते हैं वो शीतल होते हैं, तो हम लोग को जो है ही हम लोग की जो लैंड होती है वो जल्दी ही जो है ठंडी हो जाती है। तो हमारे सी से जो हमारे हॉट एयर होते हैं वो लैंड की तरफ आते हैं, तो लैंड से जो ठंडी होती है वो समुद्र की तरफ जाती है। तो सेम वही प्रोसेस है, तो लैंड से जो एयर हमारे सी की तरफ जाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, जैसे ही हम लोग सन की तरफ आते हैं मतलब सूर्य की तरफ बाहर निकलते हैं, धूप घर से बाहर निकलते हैं, तो हम लोग को जो है बहुत ठंड महसूस मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग गर्म महसूस करते हैं, ठंडी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा हम लोग गर्म महसूस करते हैं उस टाइम पे। तो हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस, आप लोग सोचेंगे कि सूर्य के प्रकाश होते हैं कैसे हम लोगों तक पहुँचते हैं, क्योंकि देखिए सन के हमारे एटमोसफियर के ऊपर मतलब जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर जो है हम लोग का वहाँ पे हम लोग के पास एयर वगैरह होती नहीं है, जैसे कि हमारे अंतरिक्ष यूनिवर्स है वहाँ पे एयर तो होती नहीं, तो कैसे वहाँ से एयर जो हीट की रेडिएशन है वो कैसे यहाँ पे आती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे रेडिएशन होती है जो सन से हम लोग तक आती हैं उसको किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती, जैसे कि प्रोसेस हमारा कन्वेक्शन था तो उस सबको एयर की मीडियम की जैसे कि हेल्प हुई, तो वैसे ही रेडिएशन को किसी मीडियम की नीड नहीं होती है। तो ये हम पढ़ेंगे जैसे कि डे टाइम पे हम लोग देख रहे हैं, डे टाइम पे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए डे टाइम पे जो है लैंड की हॉट एयर जो है वो राइज हो गई, तो यहाँ पे सी की जो ठंडी हवा है ये जो है लैंड की तरफ ट्रांसफर हो गई। रात के समय देखिए लैंड की जो ठंडी हवा है ये सी की साइड चली जा रही है, और सेम वही चल रहा है पॉजिटिव फिगर में दिखाया गया, आप देख सकते हैं। फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय द एनर्जी इज नोन एज रेडिएशन, तो सूर्य के पास जो हीट हम लोग को तो आती है उस प्रोसेस को रेडिएशन बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, तो जो है रेडिएशन प्रोसेस में जो ट्रांसफर होता है उसमें किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, ये तब भी हो सकता है जब कोई मीडियम हो चाहे मीडियम ना हो। तो When we sit in front of our room heater, we get heat by this process. तो जैसे हम ठंडों में ठंड के समय में हम लोग रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हम लोग जो है हीट को फील करते हैं। और ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन एज इट ट्रांसफर द हीट टू द सराउंडिंग, जैसे कि हम लोग कोई भी गर्म बर्तन है फ्लेम से हम उसे नीचे उतारे तो जो उसमें जो हीट है वो हीट जो है अपने सराउंडिंग में ट्रांसफर कर देती है, तो वो प्रोसेस हमारा रेडिएशन होगा। आवर बॉडी टू गिव हीट ऑफ सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम बाई रेडिएशन, तो हमारे बॉडी जो होती हैं ये अपने हीट को जो है सराउंडिंग में देती है और फिर सराउंडिंग से ही हम लोग ये सेम प्रोसेस चलता रहता है। तो हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट थैरिंग है काइंड ऑफ क्लॉथेस वी वियर इन समर एंड विंटर, तो हम लोग इसमें देखा गया है कि हम लोग किस टाइप के कपड़े जो है ठंडियों में और गर्मियों में पहनते हैं। तो हम लोग जो है ठंड में हम लोग जो है डार्क कलर क्लॉथेस पहनते हैं, और जबकि हम लोग गर्मियों में लाइट कलर क्लॉथेस पहनते हैं। तो जो हमारे लाइट कलर होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो आते ही फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जबकि हमारे जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू, जैसे कि
टेक टू आइडेंटिकल टिंट कैन पेंट द अदर सर्फेस इन ब्लैक एंड एंड द अदर इज वाइट और प्योर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव दैम इन मिड डे फन फ्रॉम अबाउट एन आवर मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बोथ द कैन डू यू फाइंड एनी डिफरेंट टेम्परेचर. तो उसे बोला गया है कि आप दो सेम साइज के कोई टिन के बर्तन मतलब कोई टिन के कैन वगैरह ले लीजिए, फिर उसको दोनों में से एक को ब्लैक से पेंट कर लीजिए और दूसरे को वाइट से पेंट कर लीजिए. तो हमारे इसमें ब्लैक जो डार्क कलर होता है और जो हमारा वाइट है ये लाइट कलर होता है. तो इन दोनों को भी हम लोग प्योर वाटर फिल कर देंगे दोनों टैंक में इक्वल अमाउंट में, और फिर इसको हम लोग जिसकी धूप में सेम टाइम के लिए धूप पर रख देंगे. फिर हम लोग कुछ समय बाद फिर इसमें टेम्परेचर को हम लोग मेजर करेंगे. तो आप इसमें बताइए आप लोग टेम्परेचर में कोई डिफरेंस पाएंगे? तो जो हमारा ब्लैक कलर वाला है ज़्यादा हीट रहेगा और जो हमारा वाइट कलर वाला हीट कम रहेगा, ये हम लोग देखेंगे इसमें. तो हमारी एक्टिविटी वगैरह सब बहुत ईजी हैं, आप खुद भी देख सकते हैं. तो इसमें बताया गया है तो डार्क क्लॉथेस जो हमारे डार्क क्लॉथेस होते हैं ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो इसीलिए हम लोग विंटर पहनते हैं डार्क क्लॉथेस, क्योंकि हम लोग जो हीट पाते हैं शन वगैरह से डार्क क्लॉथेस हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम लोग को जो है ठंडी नहीं लगने देते, हम लोग को गर्मी महसूस होती रहती है. और जो है लाइट क्लॉथेस जो होते हैं ये जो है हीट को जो है एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये हीट को जो है तुरंत ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो इससे हम लोग गर्मियों में लाइट कपड़े पहनने से हम लोग बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं. तो वूलन क्लॉथेस कीप अस वार्म इन विंटर. तो हम लोग देखा जैसे कि वूलन क्लॉथेस जो है हम लोग को ठंडियों में गर्म रखते हैं. तो इन विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथेस वूल इज़ अ पोअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो ठंडियों में जो है हम लोग वूलन कपड़े पहनते हैं और जो ऊल होता है ये हमारे हीट का पोअर कंडक्टर होता है और इसमें जो है जो ऊल फाइबर होते हैं ये जो है जो एयर इंटर करती है फिर इसको ट्रैप कर लेती हैं, जिससे हम लोग को जो एयर होती है ये हमको प्रिवेंट करते हैं जो हमारे अंदर हीट है उसको जो है बाहर ना निकलने पाए सराउंडिंग में, तुमको प्रिवेंट करती है. और सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर, व्हाट यू चूज एंड व्हाई? रिमेंबर दैट वुड बी अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन कैंप बिटवीन द ब्लैंकेट. उसमें बताया गया है आप जो है आपको जो है कोई दो पतले पतले जो है कोई जो पतले पतले चद्दर दे दिया ब्लैंकेट दे दिए जाए और एक मोटा सा ब्लैंकेट दे जाए, आप उसमें कौन सा चूज करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि हम लोग पतले वाले अगर लेंगे तो जो है एक से एयर इंटर करेगी फिर रुकेगी फिर इंटर करेगी फिर बाहर निकल जाएगी. तो इससे हमारा जो हीट है वो ट्रांसफ़र जो है ट्रांसफ़र होता रहेगा तो हम लोग को ठंडी लगेगी. और जबकि हमारे जो मोटे वाले हैं तो उसमें से एक से एयर घुसेगी तो उधर भी हमारा मोटा है तो उस साइज से हमारे एयर बीच में ही ट्रैप रह जाएगी जिससे हमारा जो है हम लोग की हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होगी. So thank you friends for watching this. In next video we will solve the keywords and exercise. Thank you.